चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, और चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो या महात्मा गांधी का भारत हो, या आज के हमारे सबके नेता जो दुनिया में भारत माता का जयकारा लगा रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत। लोग सोचते होंगे, लोगों के मन में कल्पनाएं बहुत सारी होंगी। हल्दी घाटी को हम याद करते हैं, हल्दी घाटी से बहुत सारी प्रेरणा लेते हैं। अब्राहम लिंकन जब भारत आने के लिए तैयार हुआ 1776 में, तो उस समय की स्थिति क्या थी? लोगों ने कहा, माँ ने पूछा क्या ले, माँ से पूछा उन्होंने कि क्या लेकर क्या ना। एक बूढ़ी माँ ने कहा अब्राहम लिंकन से कि अगर आप हल्दी घाटी की एक मुट्ठी मिट्टी ले आ पाएंगे तो मेरे लिए सबसे बड़ी निधि होगी, उस मिट्टी को मैं अपने माथे से लगाऊंगा। आप कल्पना करके देखिए कि अमेरिका में बैठी हुई एक बूढ़ी माँ कहती है महाराणा प्रताप के बारे में क्या सोचती है और हल्दी घाटी की मिट्टी चाहती है। मैं भी अभी राजस्थान के चुनाव में काम कर रहा था, और जब मैं उधर जाता था तो आज भी राजस्थान की बहुत सारी मिट्टी आपको लाल रंग की दिखाई पड़ रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना खून भाव, कितनी बहनों ने, कितनी महिलाओं ने जौहर किया होगा, चलती हुई आग में कूद गई होगी। अद्भुत इतिहास है। पढ़ना, देखना, समझना, आत्मसात करना, कुछ प्रेरणा प्राप्त करना, और जब प्रेरणा मिल जाए तो अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीभ्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प भी मन में आना चाहिए। भाव है अब सबके मन में है। अंग्रेजी की एक लाइन है कि मैन इज बॉर्न नेकेड एंड सेंसलेस, दुनिया में कोई पैदा हुआ नंगे पैदा हुआ, कपड़ा पहन करके कोई नहीं पैदा हुआ। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो जस करे तो तस कर चाखा। लेकिन तुलसी को लगा कोई छूट रहा है तो उन्होंने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा, हुई है सो जो राम रच राखा, को कर तर्क भाव ऐसा था। उनको लगा कुछ और छूट रहा है तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा, करे करामे भंजे सुरी, उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के भाव नीचे तीन भाव था, अभिवादन सिंह से नित्य मृत्यु अभे बिना, चतुर वर्धन से आयुर्विद्या यशो बलम। अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कौन जीता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसीलिए ये कार्यक्रम जब होता है तो मेरे भी मन में भाव आता है, मैं बाबा हरदेव जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ और मन में ये भाव आता रहता है कि कितना रात दिन वो परेशान रहते हैं कार्यक्रम के। मैं उनके लिए चार लाइनें कहना चाहता हूँ कि बहंती नद्य स्वयं ही मनाभरा, स्वयं न खादना भिक्षा, धारा धरो वर्ष दिनाथ में है तो परोपकारा ये सदा विभूत है। वृक्ष कबह ने फल रखे, नदी ने संचय नी, परमारथ के कारण साधु धरा सही। और इसलिए जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक लोग आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम सबका भाग्य है कि हम भारत में चल रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है, गायत्री देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भाग्य। और इस 1,98,58,85,127 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी। सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,125 वर्ष बीत गए, 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है, तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। और इसलिए महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलते हुए हमको आपको भी जरूरत पड़ने पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए कभी कभी मेरे मन में आता है मैं बाबा हरदेव जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं कह रहा था कि आज दिन रविवार, जब सृष्टि की रचना हुई थी तो वो दिन रविवार का था, पहला रवि का हो रहा था, इसीलिए सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है और अंतिम दिन शनिवार होता है। और इसे रवि के होने में
आज हम सब लोग बैठे हैं, रविवार के दिन बैठे हैं, सूर्य को साक्षी मान के चल रहे और इसलिए प्रकृति को भी अभिनंदन करते हैं। और अभी एक विषय आया है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, मोमबत्ती जलाते हो और उसको बुझाते हो, बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं। अगर बच्चे को फलता फूलता देखना चाहते हो, बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, एक आम का पेड़ बच्चे के जन्मदिन पर लगा दो। अगर अपनी माता पिता का पुण्यतिथि मनाते हो, अगर अपनी माँ का जन्मदिन मनाते हो, तो एक सुंदर सा पेड़ लगा दो, उस पेड़ का पालन पोषण करो। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बच्चा भी बढ़ता जाएगा और वो भी प्रफुल्लित हो जाएगा। अगर गर्मी को शांत करना चाहते हो, पर्यावरण पे नियंत्रण करना चाहते हो, अभी भी आया हुआ है एक पेड़ माँ के नाम, मेरी माँ बैठी, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ पिता के नाम, एक पेड़ अपने नाम, बच्चों के नाम। अपना जन्मदिन मनाते हो, अगर एक एक पेड़ लगाते चले जाओगे, बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। बाबा और दादा का लगाया हुआ पेड़ तो बहुत आसानी से आपने काट लिया, जरा खुद भी लगा के जाओ, जिससे बच्चों को तो आपका लगाया हुआ पेड़ मिल जाए, नहीं तो बच्चों की स्थिति क्या होगी। इसलिए हमारे आपके लिए आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, हम वृक्षारोपण करेंगे। लेकिन वृक्ष कौन सा लगाएंगे? आम लगाएंगे, पीपल लगाएंगे, बरगद लगाएंगे, पाकड़ लगाएंगे, महुआ लगाएंगे, जामुन लगाएंगे, नीम लगाएंगे, ऐसा पेड़ लगाएंगे जो हमको कुछ दे पाए। ये जो लोग लगाते हैं कुछ लोग पेड़, उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ऐसा पेड़ लगाइए जो कुछ दे पाए। वीके सिंह जी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, उनके बहुत कार्यक्रमों में मैं जा चुका हूँ। नीम एक औषधि है, नीम पर बहुत काम करते हैं, मैं जानता हूँ। मेरी बचपन में एक चोट लगती थी तो माँ जो है नीम की छाल को कड़ू के तेल में पीस करके और छुटका देती थी, घाव ठीक हो जाता। बहुत बुखार हो तो सीके का उबाल करके पिला देती थी, बुखार ठीक हो जाता। और 5 पत्ती नीम के अगर सप्ताह में 2 दिन खा लो तो ब्लड में कोई बीमारी नहीं होगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही हर वृक्ष का है। तुलसी तोड़ते हो लेकिन तुलसी को प्रणाम करके तोड़ के चाय में डालो तो औषधि बन जाएगी, बिना प्रणाम किए तोड़ोगे तो तुलसी कोई फायदा नहीं करेगी। इसलिए वृक्ष लगाना है, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। वृक्ष भगवान है, साक्षात देवता है, इसलिए हम लोग जल संचयन भी करेंगे, वृक्षारोपण भी करेंगे, पर्यावरण की भी बढ़ाएंगे, राष्ट्र की चिंता भी करेंगे, सवेरे उठ करके भगवान का दर्शन भी करेंगे। धरती माँ को प्रणाम करते हुए समुद्र वैष्णव देवी पर्वत स्थला मंडल विश्वपति नमस्तुभ्रम पादस्पर छमश्वे भी बोलेंगे और तातुम करते समय आयुर्वेदे का पाठ भी करेंगे और स्नान करते समय सभी नदियां जिंदा रहे इसके लिए गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन संदीप कुल करके बुलाएंगे भी और निकलेंगे तो भगवान सूर्य को प्रणाम करके आदिदेव नमस्तु ब्रह्म प्रसिद्ध ब्रह्म भास्कर दिवाकर नमस्तु ब्रह्म प्रभाकर नमोस्तुते करेंगे। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, भव्यता प्राप्त हो रही है, आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा, संस्कार भी मिलेगा, संस्कृति भी आएगी, धर्म भी होगा, विचार भी होगा, पौरुष भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा और परम वैभव नेतृत्व स्वराष्ट्रम की परिकल्पना साकार होगी। तिरंगा पूरे भारत में लहराएगा और दुनिया में भारत माता का जयकारा होगा। भारत कृषि गुरु के पद पर आसीन होगा, फिर से मेरा भारत सोने का चिड़िया बनेगा, 5वें स्थान से 30वें स्थान की अर्थव्यवस्था बनेगी। देखते देखते मजबूत भारत की नींव पड़ती जा रही है, आगे आने वाले दिनों में दुनिया में भारत नंबर 1 के स्थान पर होगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, प्रभु से प्रार्थना अभिनंदन स्वागत। निवेदन केवल इतना कि बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मसीह को, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मसीह को, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मसीह को। आप सबको बहुत बधाई, आयोजकों को बहुत बधाई, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जयकारा जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं महाराणा प्रताप बोलूंगा, आप अमर रहे। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, आप सबको प्रणाम, जय जय श्री राम। धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, वस्तुतः इस कार्यक्रम में मैं हमेशा चाहता रहता हूं कि डॉक्टर महेंद्र सिंह जरूर आए, और जब आते हैं हमारे जितने उत्तर प्रदेश क्षत्रिय लोक सेवक परिवार महासमिति के पदाधिकारी और सदस्यगण हैं
वो इनका भाषण सुनने के लिए